आपका एक बार फिर स्वागत है आप देखें न्यूज 11 भारत। कोई भी गांव उस इलाके के विकास का आईना होता है, लेकिन उस गांव में जब जाने को सड़क ना हो, अगर पहुंच गए तो पीने को साफ पानी भी ना हो, तो आईने में जो तस्वीर उभरती है वो तमाम विकास के दावों की कलई खुलते नजर आती है। ऐसे एक गाँव है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, समझिए कौन सा गाँव है और क्यों ऐसा ही है। न चापाकल न ही है कोई जल मीनार, गड्ढा का पानी पीकर लोग बुझाते हैं प्यास। गांव में जाने के लिए अब तक नहीं बनी सड़क। विकास का सपना आज भी है अधूरा। पूर्वी सिंहभूम जिले के सारुदा गांव के विकास की यही हकीकत है, जहां 30 आदिवासी परिवार रहते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। गोद में एक हाथ में बच्चा, दूसरे हाथ में बर्तन और लंबी जद्दोजहद, तब जाकर यहाँ के लोगों की प्यास बुझती। दिक्कत ही हो रहा है क्योंकि चापाकल भी नहीं, सामने कुआं भी नहीं है, दूर से लाना पड़ता है गन्ना पानी और सब ही रास्ता उस्ता सब। अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे, पानी का भी पूरा परिस्थिति है और इधर लाइट का भी पूरा परिस्थिति है और रोड का भी इधर का बहुत परिस्थिति है। पानी को लेकर क्या समस्या है? पानी के लिए अभी तक तो यहाँ ना चापाकल है ना कुआं है, कुछ भी नहीं। अभी तो हम नाला से पानी लेके पानी पी के अभी चल रहा है हम लोग का काम। इस गांव में जाने के लिए ना तो सड़क बनी है ना ही पेयजल की कोई व्यवस्था है। चापाकल और जल मीनार इस गाँव के लिए दूर की कौड़ी। अभी तक यहाँ के लोगों के लिए जो जनप्रति या कोई भी इसका का कोई खबर नहीं लेता और यहाँ जहाँ तक है मूलभूत सुविधा जो सरकार के प्रति एक जिम्मेवारी बनता है, बांदा के प्रतिनिधियों के प्रति भी जो जिम्मेवारी बनता है, यहाँ मूलभूत सुविधा होना चाहिए। अब तो बता है गांव के लोग यहाँ का जो भी मूलभूत सुविधा से वंचित है। हम सरकार से ही आग्रह करेंगे और जहाँ तक जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस गाँव की जो समस्या है उसको निपटाया जाए। कुआँ भी नहीं है, चापाकल भी नहीं है, गाँव में ऐसा विधवा पेंशन भी नहीं मिल रहा है और इंद्रावास भी नहीं मिला। विधवा आदमी को क्या करेगा, अपने कमा करके तो नहीं बना सकेगा। रोड भी नहीं है, अंधेरा में आएगा बाजार से, पत्थर है, गड्ढा है, आने जाने भी मुश्किल हो रहा है। झारखंड गठन के 21 साल बाद भी यह गांव विकास की बाट जो रहा है। हैरत किस गांव में लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं मिलता, अन्य सुविधाओं और सरकारी योजनाओं की लाभ की बात भी यहां बेमानी। अब देखना है जिनके कंधे पर क्षेत्र के विकास का जिम्मा है, उनकी नजर इन पर आखिर कब पड़ती। न्यूज 11 भारत के लिए विद्या शर्मा की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।